वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज जो वीडियो बनने वाली है वो है स्किन केयर के ऊपर, जिसमें सिर्फ स्किन केयर नहीं है, हेयर केयर भी साथ में होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मेंबर से मिलाना चाहती हूँ जिसके साथ मैं स्किन केयर आज करूंगी। वैसे तो मैं नॉर्मल अपने अकेले ही करती हूँ, जिस आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आज वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो गैस करिए कौन हो सकता है, एनी गैसेस कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किसको सोच रही थी। हाँ सो कम मैडम। सो या शी इज माई कजन। सो आज हम लोग साथ साथ करेंगे स्किन केयर। सो बताइए आप स्किन केयर में चूज करेंगी फेस का या फिर आप हेयर का चूज करेंगी? नहीं, मैं अपने फेस का ही चूज करूंगी। okay. मैंने आज अपने हेयर वॉश किया, मैं दोबारा नहीं कर सकती। और मैंने वॉश नहीं करेगा क्योंकि मैं अभी नहाऊंगी, तो मैंने अभी नहीं नहाया, इसीलिए मैंने कहा पहले वीडियो बना लूँ फिर उसके बाद नहाती हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करें क्या? बट हम लोग किसके कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं तो वो भी तो हमें बताना होगा अपने सब्सक्राइबर्स को, क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं हम यूज करने वाले। तो अभी हम बताते हैं आपको कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे। सो जो फर्स्ट हम यूज करेंगे वो हम पहले करेंगे स्क्रबिंग। हमें अपने फेस को जो है अच्छे से स्क्रबिंग करनी होगी, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एम कफीन का नेक एंड रो लेट कॉफी फेस स्क्रब। तो पहले हम इससे करेंगे अपने फेस की स्क्रबिंग, एंड देन उसके बाद जो है हम यूज करेंगे फेस मास्क जो एम कफीन का है कॉफी फेस मास्क। हम इसे यूज करेंगे अपने फेस पर और इसे अप्लाई करेंगे कुछ मिनट्स तक। उसके बाद जो है हेयर केयर में मैंने जो है लिया है एम कफीन का नेक एंड रो कॉफी स्कार्फ मास्क। तो इसको हम जो है स्क्रबिंग करेंगे इससे अपने पूरे हेयर्स में, अंदर अंदर जितना भी स्कार्फ है उस एरिया में आपको अप्लाई करना है। एंड देन नेक्स्ट वन इज हेयर ऑयलिंग। आपको जो अपने बहुत ज्यादा आपके जो हेयर्स है बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो नरिशिंग करने के लिए हम यूज करेंगे कॉफी नेक के स्कार्फ हेयर ऑयल। सो या गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट है हम लोग यूज करेंगे फेशियल टिश्यूज। आपके पास जो भी टिश्यू अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हो। तो फेशियल टिश्यू को हम लेंगे, एंड तू भी ले ले। उसके बाद जो है आप कॉटन भी यूज कर सकते हो, अगर आपको टिश्यू का कोई भी इशू रहता है तो आप कॉटन भी यूज कर सकते हो। और देन उसके बाद जो है वो हम डिप करेंगे, मैंने ये ले रखा है मग में पानी। तो हम लोग ना इससे अपने जो फेस को क्लीन करेंगे, क्योंकि थोड़ी भी इंप्योरिटीज रहती है ना फेस पर, तो इससे भी फिर स्क्रबिंग का कोई फायदा नहीं रह जाता। तो उसके बाद अब मैंने ये जो है पूरा जो है वो कर लिया है वेट। अब वेट करने के बाद हम इसे अपने फेस पर, हाँ लगता है ऐसे ही रहा है कुछ, अप्लाई करेंगे। तो हम एक दूसरे का करें या अपना अकेले करने लगा ले या एक दूसरे का लगाए? व्हाट यू वांट? मुझे तो आता नहीं, आपको बताना है। आई थिंक अब हम लोग का स्किन केयर सब फॉलो करने वाले हमारी फ्रेंड्स भी, एंड मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इतना यूजफुल भी है एंड बहुत इंजॉयफुल भी है। सो या इट्स डन। अब इसके बाद जो है हम यूज करेंगे वो है एम कफीन का लेक कॉफी फेस स्क्रब, इसे हम यूज करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि एम कफीन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी यूजफुल हैं, और सबसे अच्छी चीज है कि इनमें कुछ ज्यादा केमिकल्स कुछ नहीं मिले हैं। पीछे जो इंग्रेडिएंट दे रखे हैं आप पढ़ लो, आराम से मेंशन है, मैं आपको बता भी देती हूँ। इसमें जो है दे रखा है, इन्होंने लिखा है कि रिफाइंड अनइवन एंड रफ स्किन रिटेन्स मॉइस्चर, और जो है स्किन जो है वो वीगन फ्री है एंड मेड सेल, ऐसे करके इसमें सब दे रखा है, तो आप मंगा सकते हो। तो ये काफी अच्छा, तो हम इसे यूज करेंगे फॉर स्क्रबिंग। सो या इस तरह से जो है अंदर का बिल्कुल कॉफी जैसा जो है आप देख सकते हो, कॉफी जैसा निकलेगा। तो अप्लाई करते हैं। तू मेरे करेगी या मैं तेरे करूँ? मुझे नहीं पता, चल करते हैं। देख देख के ओके। हम लोग ना थोड़ा थोड़ा सा पतली पतली थिन थिन लगानी है अपने फेस पे, एकदम से हल्का हल्का सा लगा के इस तरीके से। सब में ना मसाज भी हमें लाइटली लाइटली करते रहना है इस तरह से। हाँ क्योंकि वो ना मसाज करनी है तो अच्छा। आप लोग को हम दिख रहे ना हम लगाया हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे नहीं कुछ कर रही हूँ, ये देखो हमारे किस पे लगा हुआ है। थोड़ा सा ना वाटर वाटर भी लेंगे क्योंकि ड्राई अप हो जाता ना, तो थोड़ा सा फिंगर टिप से अपने वाटर भी ले लो, फिर से मसाज करने लग जाओ। वैसे मैं दोनों हैंड्स यूज करना चाहिए था मुझे भी ना, तुम भी गलती दोनों हैंड्स बता दो। नोज में काफी ब्लैकेट्स होते हैं, तो नोज को अच्छे से इस तरह से फिंगर फिंगर से लाइक इस तरह से हमें, आई थिंक हम लोग तो इतने में क्लीन हो रहे हैं, है ना? लग रहा मुझे
कॉफी मास्क जितने भी होते हैं ना गाइस, तो बहुत ही यूजफुल हैं। आप ना इसको जब लोगे ना, आप मंगाओगे ना, यूज करोगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा असर लगेगा। बहुत ही यूजफुल है, कोई भी केमिकल नहीं होता है। इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है। मैं अभी स्क्रबिंग कर रही हूँ ना, तो मेरी इतनी सी स्किन ऐसा लग रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो गई है बहुत ज्यादा। ये जो मैंने प्रोडक्ट्स, मैं पहले भी आपको, मैं जब मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे स्माइटन से, मैं आपको दिखा चुकी थी, स्माइटन के ही प्रोडक्ट्स हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 150 या 200 के अराउंड में कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं, 7-8 कभी कभी 10 भी मिल जाते हैं, तो ये उसी में आया था। तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक भी मैंशन कर दूँगी। हम यूज करेंगे वो है एम कफिन का कॉफी फेस मास्क। दिस वन इस तरह से आएगा, प्यारी से लिटिल क्यूट पैकेजिंग, छोटी छोटी सी। सो जस्ट इसमें ऐसे जैसे उन्होंने दे रखा है कवर, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स यूज्ड, मतलब कि ये थोड़ा बहुत है जो शायद नोज एरिया पे अप्लाई हो सकता है। तो तू कर ले, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, तो एक बार कर सकती है, पूरा यूज़ कर ले, थोड़ा सा वाटरी वाटर मिला के कर सकती है। ऐसे ड्राई लगाया जाता है, बट तू देख ले। अब ट्राई कैसे करेगा, पूरा लगा ले, पूरा पूरी अच्छी तरीके से ज्यादा लग जा। मैं लगाऊं क्या? लगा दो। आई थिंक ज्यादा वाटर सा हो गया ना। ला। यार देख रहे हो ना, हमें कितना पसंद है कि हमारा खत्म हो गया प्रोडक्ट। सी बोतल हमने खाली कर ली है, सिर्फ आपने बोली अकेले। हाँ बस मैंने किया फॉर, बट ये वो होते हैं ना उसके लिए, सैंपलिंग के लिए, इसीलिए मैं बहुत कम आता है। आई मैं आधे फेस में लगा के क्या करूँ। हाँ ना, रुक जा मैं करती हूँ कुछ, थोड़ा सा बोतल बना के तेरे फेस को ही पूरा अच्छे से कर दूंगी, ऐसी बात नहीं।
खत्म हो गया, इतना तो हो ही गया कि तुझे थोड़ा फील हो जाएगा कि तेरा फेस पैक कैसा है। आई थिंक और इसकी जो वीडियो है आप, मैं शायद शॉर्ट्स इसकी पोस्ट करी है मैंने जहां तक है, तो आप वीडियो में इसकी देखना चाहते हो मतलब कि पूरे पैक के साथ, तो आप वहां पे देख लेना, वहां मैंने शायद एक पोस्ट करी है। अभी हमारे खत्म हो गए तुम्हारे पास इस चीज में कोई ऑप्शन नहीं। सो गाइस पूरी खत्म हो गई है और इसका फेस देख सकते हो कि इसका फेस अभी कितना ही इतना लग चुका है, कैमरे में थोड़ा दिख नहीं रहा है, लाइट है बट इसका सब लग गया है, काफी हद तक तो लगा ही हुआ है। तो अभी ये थोड़ी देर के लिए रखेगी, ऑलमोस्ट आप ये पैक रखो 15 मिनट्स तक आप इस पैक को रखो और उसके बाद थोड़ा सा हल्के हाथ से क्या करना है, मसाज करनी है जो कि अभी ये करेगी, तो आप देख लेना। तो तब तक के लिए 15 मिनट्स तक के लिए रखो और फिर उसके बाद मिलते हैं, ओके ओनली फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, वेट। सो 15 मिनट्स हो गए हैं और अब इसके बाद ये हल्के हल्के फिंगर टिप से जो है थोड़ा सा वेट करने के बाद उससे अब ये मसाज करेगी। तो जस्ट देखना आपको किस तरह से ऐसे ऐसे मोशन में, देख तुझे ऐसे ऐसे करने हैं, मेरे को बताना है आपको। हाँ जस्ट लाइक ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पूरे अच्छे से हल्का हल्का मसाज करनी है। सो कैसा लग रहा है तुझे ये वाला, मतलब कि कैसा फील हो रहा है, किस तरह का तुझे लगा ये स्किन केयर इनके प्रोडक्ट एम कफिन के? मुझे कोल्ड कॉफी की याद आ गई, कोल्ड कॉफी की याद ना, मतलब फ्रेग्रेंस लग रही ना कॉफी की इन्होंने। हाँ तो आप देख रहे हो ना कि मतलब इनका जो एम कफिन का है कॉफी मास्क, रियली इनकी कॉफी जैसी फ्रेग्रेंस है, ऐसा नहीं इन्होंने कुछ डाल रखा बट कॉफी जैसा ही है इसमें। तो यार इन्होंने कॉफी जो है इससे बनाया है, वाकई में ये प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छी है। एम कफिन वालों को हमें अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित करना चाहिए क्योंकि हम उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं। नहीं उनके प्रोडक्ट है भी तारीफ करने वाले। ये हो गया शायद से। हाँ अगर तुझे लग रहा मसाज थोड़ी सी हो गई है, हो गई है अब तू वॉश आउट कर सकती है, उसके बाद थोड़ा सा ना कुछ मॉइस्चराइजर कुछ अप्लाई कर ले क्योंकि तू फेस पैक लगाया तूने। तो चल ठीक है वॉश करके बाद मिलते हैं हम दोनों, ओके जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स या ओके। सो मॉइस्चराइजर जो है इसने वॉश आउट कर लिया, तो उसके बाद इसने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया और आप देख सकते हो इसकी स्किन इस टाइम से कैसी लग रही है, स्मूथ एंड ग्लोइंग। सो बता सकती है किस टाइप से भी तुझे लग रहा है, क्या तेरी स्किन कैसी लग रही है तुझे? मेरे को पता शॉप शॉप से एकदम काफ़ी अच्छी अच्छी हो गई है। अच्छा मैं देखती हूँ जरा सा वो करके। हाँ मतलब वो काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा मतलब इजी लग रही है, एकदम से ऐसे ऐसे पंचअप कर सकते हो, मुझे भी काफ़ी इजी लग रही है इसकी स्किन। और आप देख सकते हो थोड़ा सा ना एकदम से वाइटिंग ग्लो भी लग रहा है फेस पर, जस्ट यार अच्छा लग रहा है। सो हम लोगों का स्क्रब डन हो गया है और हमारा फेस पैक भी अब डन हो गया है ना, दो चीज़ें हम लोगों ने दो स्टेप्स कर लिए है, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप जो है वो अब हमारा जो है वो है हेयर ऑयल। वैसे तो मैं हेयर ऑयल पहले ही मैंने अपने बालों में अप्लाई कर रखा है, आप देख सकते हो, तो मैं जब वॉश आउट करूँगी उसके बाद आपको दिखाऊंगी किस तरह की क्या शाइन और क्या आया है। तो ये जो है मैंने अप्लाई किया है एम कफिन का कॉफ़ी स्काल हेयर ऑयल। सो ये इसने तो अपने जो है वॉश आउट कर लिए हेयर्स, तो ये अप्लाई अब करेगी नहीं, कह रही है मैं दोबारा थोड़ा धोने वाली, तो जस्ट मैं हूँ तो धोने जाऊँगी और मैंने अप्लाई कर रखा है, मैं आपको दिखा दूँ इस तरह की ऐसी बोतल आएगी, तो मैं अप्लाई कर चुकी हूँ तो आप ले सकती हो ये एम कफिन का कॉफी स्काल हेयर मास्क। अगेन आई रिपीटेड ओके। सो हेयर ऑयल मैंने आपको बता दिया है। अच्छा अब नेक्स्ट वन है जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया था, वो है एम कफिन का कॉफी स्काल स्क्रब। ये इस तरह से जो है गिलास बोतल आएगी आपको, ये रही आप देख सकते हो, तो अब हम ये ट्राई करेंगे। तो तू तो करेगी नहीं, तो फिर तू मेरे ही कर दे ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन है। या फिर थोड़ा सा हम सेटल हो जाते हैं, या हम सेट कर लेते हैं थोड़ा। सो गाइज अब जो है मैंने जो अपने हेयर्स को वेट कर लिया है, तो अब ये सेक्शन में डिवाइड करेगी और उसके बाद जो है ये एम कफिन का जो स्काल्प स्क्रब है उसे ये अप्लाई करेगी मेरे स्क्रब में, और जब अप्लाई करेंगे धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज भी करनी है हमें, ठीक है सारे सेक्शंस बना बना के। ओके सो जस्ट चल कर स्टार्ट। मैं भी स्टार्ट करता हूँ। वाओ
इतनी अच्छी हेयर मसाज, इतना ये स्क्रब मुझे हमेशा याद रहेगी। ये दूसरों से काम करवाना कहते हैं। ये देख रहे हैं आप सब लोग, कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये काम कराना हुआ या ये सेवा करनी हुई दीदी की। कमेंट्स में सब जरूर बताइएगा। एक बार से उनकी बच्ची खराब करवा रहे। मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ उनकी उस पर। इसको थोड़ा तेज बोल, सुनाई नहीं देगा उन्हें। हाँ सब लोग सुनने की कोशिश करिएगा, मेरी आवाज़ थोड़ी कम है। आपको ये स्कर पे अप्लाई करना है, थोड़ी थोड़ी मसाज देनी है। yes. मेरे जैसे स्क्रबिंग स्क्रब पे करनी है बालों में। मैं स्क्रब पे कर रही हूँ, सॉरी स्काल्प पे हमें करनी है। तो गाइस मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ करवा रही हूँ, तो मुझे इसके क्या इफेक्ट आते हैं मैं अभी जब अपने हेयर वॉश कर लूँगी उसके बाद आपको बताऊँगी कि इसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो थोड़ी देर अभी ये सर पर मुझे में जो मसाज कर रही है तो थोड़ी देर मैं इसे रखूँगी, उसके बाद जो है मैं हेयर वॉश करूँगी। इसकी फ्रेग्रेंस ना कुछ कॉफ़ी से थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है मुझे, जस्ट जैसे मैं फील कर रही हूँ ना इसकी फ्रेग्रेंस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटिल बिट कॉफ़ी से थोड़ा डिफरेंट। आई थिंक इसमें इंग्रेडिएंट जो पड़े हैं ना वो थोड़े और पड़े हैं, कुछ अलग पड़े हैं ना। हाँ तो इसमें ना वो मिक्स हो गई है सबकी फ्रेग्रेंस, तो थोड़ा सा ये ना कॉफ़ी से अलग लग रही है। तो इस तरीके से जो सेक्शंस में ये अप्लाई कर रही है मेरी बहन, आपको भी इसी तरीके से अप्लाई करना है और फिर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जो है जेंटली मसाज कर लेनी है, लाइक दिस जैसे ये कर रही है इस वक्त पर। तो आप ये ध्यान रखना कि एक्चुअली में स्काल्प का जो ये स्क्रबिंग है तो आप ना स्काल्प पर ही करिएगा, क्योंकि हेयर का ये स्क्रबिंग नहीं है, ये स्काल्प की स्क्रबिंग है। ये आपकी स्काल्प पे अफेक्ट करेगी जाके, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ रहेगी, शाइन होगी आपके हेयर्स में और स्ट्रेंथ आएगी। तो ये इसके लिए है, मोस्टली नरिशमेंट के लिए है ये। आपको मेरी सर्विस कैसी लग रही है? क्या ये सर्विस मुझे अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली में बारिश का मौसम है ना, तो इस टाइम मैंने बैठ कर रखी है अपनी, और फिर इस तरह से एकदम से हेड मसाज मिले तो एक ना एकदम से नीम जैसी एकदम से एक अच्छा सा फील आने लगता है। तो ये सर्विस भी अच्छी है, ये विदाउट कॉस्ट है ना, तो ये मुझे अच्छी लग रही है काफ़ी। तो इस तरीके से जब मिलती है ना सर्विस तो काफ़ी अच्छा लगता है, वो भी वही भाई बहनों से मिलती ना तो बहुत अच्छा लगता है। ओके तो स्काल्प में जो है अप्लाई जो है इसने कर दिया है, तो लुक इस तरीके से बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम से इसकी फ्रेग्रेंस है। तो इस तरह से इसने अप्लाई कर दिया है, तो मैं इसे ना अब कुछ देर थोड़ी देर रखती हूँ, उसके बाद जो है मैं अपने
हेयर वॉश करूँगी, उस दिन मैं इसे रखूंगी उसके पास, मैं अपने हेयर वॉश करूंगी, ठीक है। गॉड, मेरी टी शर्ट पे गाइस देखिए इसके जो इसमें कुछ पड़ा है, इंस्ट्रक्शंस काफी इसमें चीजें पड़ी हुई हैं, तो ये देखिए मेरी उस पे भी आई है और मेरे हाथ पाथ पे भी है। इस तरह से कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के जो है वो इसमें आई हुई है, तो मेरे हैंड पे भी आपकी टी शर्ट पे कुछ ज्यादा ही आए हैं सी गाइस। तो एक्चुअली मैं इसमें ये इंग्रेडिएंट जो पड़ा हुआ है वो इसमें जरूर लिखा हुआ, कॉफी पाउडर, ग्लिसरीन एंड एलो, एलोवेरा भी है इसमें, बट इसमें ये जो लिखे, लिखे। ये जो इस तरह से ये क्या पड़ा है ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें ये क्या है, ये ब्लैक ब्लैक सा, आई थिंक कॉफी ही है मे बी, क्योंकि इसमें लिखा तो हुआ है कॉफी पाउडर और इसमें लीफ एक्सट्रैक्ट, ओके इसमें एक्सट्रैक्ट डाला रखा है उन्होंने, किसका, कॉफी लीफ का इसमें डाल रखा है, और आई थिंक कुछ और भी पड़ा हुआ है जिसमें डिमेंशन है, आप देख सकते, देख लेना। सो मिलते हैं कुछ समय बाद वॉश करने के बाद, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह का और कैसा लगा। ओके क्या कर रही है, दोबारा करो करने दो भी पहले। सो गाइज मैंने जो है हेयर वॉश कर लिए हैं और इस टाइम से मतलब पूरे ड्राई अप नहीं हुए हैं, बट हाँ इनमें काफ़ी शाइन एकदम से ये आ रहे हैं, तो एकदम से मुझे एकदम शाइन एकदम सॉफ्ट जैसे लग रहे हैं। हाँ लग रहा है कि जैसे स्क्रबिंग हुई है मतलब कि हेयर्स में, इतने बहुत ही ज़्यादा एकदम से लाइट वेटेड लग रहे हैं और मुझे तो काफ़ी मतलब कि अच्छा फील हो रहा है कि हाँ स्क्रबिंग का मुझे लग रहा है कि हाँ ये करना चाहिए, तो स्टेप से हेयर जो एकदम से स्मूथली लग रहे हैं तो बहुत प्रिटीवन लग रहे हैं लुक। और अभी थोड़ा सा ना गीले हैं मतलब कि वेट हैं, तो इस वजह से, और अभी हम लोगों को थोड़ा लेट हो रहा है, हम लोगों को थोड़ा सा जाना भी है तो इस वजह से इतना वक्त नहीं है, बट आप देख सकते हो कि बहुत लाइट वेटेड है एंड बहुत शाइनफुल एकदम से कर रहे हैं। तो या आई थिंक आपको ये सारे प्रोडक्ट्स, मेरे हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए, परचेस करने चाहिए, एंड बताना ज़रूर भाई कमेंट्स में कि कैसी आपको लग रही है। और आज तो मेरे संग ये भी थी, तो फिर ज़रूर आप, आई होप आपको वीडियो और अच्छी लगी क्योंकि एक के संग दो हो गए डबल, तो प्लीज़ 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 गाइज वीडियो को कमेंट करिए और खूब सारा लाइक करिए, खूब सारा सब्सक्राइब करिए और खूब सारा शेयर करिए, खूब सारा प्यार अति देते रहिए क्योंकि आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ 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 तू भी मेरे चैनल के लिए कुछ बोल दी, सब लोग दीदी के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंड सब लोग अपना ध्यान रखना, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।